नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, कल तय होगा सीबीएसई 12वीं का मार्किंग क्राइटेरिया। आपको बता दें कि एससी में पेश होगी 12वीं के रिजल्ट की प्रक्रिया की रिपोर्ट। रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति, कोरोना संक्रमण के कारण रद्द की गई थी सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा। रिपोर्ट में पेश होगा सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा का मार्किंग क्राइटेरिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केंद्र सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के मानदंड के बारे में सूचित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। सीबीएसई ने अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट और प्रैक्टिकल टेस्ट के मोड में बदलाव को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड ने अपने संबंध स्कूलों को लंबित आंतरिक या व्यवहारिक परीक्षाओं को ऑनलाइन पूरा करने के लिए कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण खतरे को देखते हुए रद्द कर दी गई थी। अब बोर्ड की ओर से कक्षा 12 के छात्रों के लिए मार्किंग पॉलिसी तय करना बाकी है। बोर्ड अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्रों को मार्क्स के बजाय ग्रेड देने के सुझाव पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार कल बोर्ड यह क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर, यानी ग्रेड को लेकर, ग्रेड या फिर वैसे ही पास किया जाएगा, इन चीजों को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट की प्रक्रिया की पूरी जो कॉपी है वो रखी जाएगी। कल तय होगा सीबीएसई 12वीं का मार्किंग क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हर दिन सुधर रही है कोरोना की स्थिति। नए संक्रमितों के मामलों में लगातार हो रही है गिरावट। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 212 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमण से कुल 25 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली में 98% के पार हुआ रिकवरी रेट। 17 मार्च के बाद 3000 के नीचे पहुंचा एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना के कुल 2749 एक्टिव केस अभी हैं और लगातार कोरोना की रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। 17 मार्च के बाद 3000 के नीचे पहुंचा एक्टिव केस। एक बार आपको फिर से बता दें कि 24 घंटे में दिल्ली में 212 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 25 लोगों ने जान गंवाई है। 98% के पार रिकवरी रेट पहुंच गया। दिल्ली में कोरोना के कुल 2749 एक्टिव केस अभी भी हैं। तो दिल्ली में कोरोना अपडेट को लेकर हम आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि 24 घंटे के भीतर 25 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 212 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यानी अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमितों की संख्या घटित जरूर है, लेकिन रोजाना मरीजों की संख्या मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने तैयारी की है। हेल्थ असिस्टेंट को दी जाएगी बेसिक ट्रेनिंग। 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने का प्लान किया गया है। मेडिकल स्टाफ की कमी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। 5000 युवाओं को दी जाएगी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग। डॉक्टर और नर्स के निर्देश पर काम करेंगे युवा। होम केयर या फर्स्ट एड में ली जाएगी इनकी मदद। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने 5000 युवाओं को हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। और इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी देखी गई थी और इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टर और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे और खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसके लिए 12वीं कक्षा पास, 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा 17 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 28 जून से 500-500 के बैच में इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और 2 हफ्ते की ये ट्रेनिंग होगी और 2 हफ्ते बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा और इसी तरह कुल 5000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में
तीसरी लहर अगर आती है तो उससे दिल्ली को बचाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में मैं कई अस्पतालों में भी गया, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेके की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है, 5,000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, दो दो हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5,000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं। वहीं दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर सांसद मनोज तिवारी ने सवाल खड़े किए हैं। मनोज तिवारी का कहना है कि सरकार के पास राशन की योजना को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र से राशन वितरण के लिए ई पोस मशीन दी गई थी ताकि फर्जी राशन कार्ड धारकों का पता चल सके, परंतु अभी तक इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये राशन घोटाला उजागर होने से डरते हैं। सर, जहां राजधानी दिल्ली में बर्गर पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी घर बैठे हो जाती है, वहीं राशन जहां कोरोना काल में घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, वहीं राशन की डिलीवरी क्यों नहीं हो पा रही? आखिर इसमें किसकी कमी है? देखिए, सबसे बड़ी कमी नीयत की है। नीयत जब अच्छी होती है तो नीति अच्छी बन जाती है। नीतियाँ तो बनी ही होती हैं ना, नीयत खराब हो जाती है। अब देखिए, दिल्ली में जो राशन वितरण की व्यवस्था है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार की नीयत के कारण गरीबों का नुकसान हो रहा है, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। कोरोना जैसी बीमारी में, लॉकडाउन में भी उनको राशन के लिए दर दर भटकना पड़े, ये अरविंद केजरीवाल सरकार की एक ऐसी फेल्योर है जिसमें मानवता भी शर्मसार हो रही है। सबसे दुखद बात यह है, राशन इस लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली तक फ्री कर दिया है, लेकिन जिसका राशन कार्ड है उसको मिलेगा? तो 50 लाख तो राशन कार्ड के लिए आवेदन है दिल्ली में। या तो उनका राशन कार्ड बन जाना चाहिए था, पिछले 8-9 साल से राशन कार्ड ही नहीं बना, वो गरीब कहाँ जाए? और ये आम आदमी पार्टी ये राशन माफियाओं के साथ मिल गई है, इसलिए उसकी नीयत में खोट है। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने ई पोस मशीन दिया। ई पोस मशीन में जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डाल के अंगूठा लगाएंगे तो जिसका हक है उसी को मिलेगा। 4 महीने के लिए ई पोस मशीन यहाँ चला और 4 लाख लोगों का जो राशन कार्ड में नाम था फर्जी पाया गया, क्योंकि फर्जी होगा तो मशीन रिजेक्ट कर देगी। तो जब आप राशन माफियाओं को जब समर्थन करके और आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो फिर तो नीयत में खोट है और उसके लिए दिल्ली के गरीबों पर चोट है।
तो ये थे हमारे साथ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हर दिल अजीज सांसद मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो राशन की डिलीवरी है, जो डोर स्टेप डिलीवरी की योजना थी, उसकी दिल्ली सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके कारण वो फेल हो रही है। दिल्ली से किरण पाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के लोधी गार्डन पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने RWA और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार से दिल्ली के सभी पार्कों को खोलने की मांग की है। साथ ही विजय गोयल ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने मॉल खोल दिए, बाजार खोल दिए और यहां तक कि शराब की दुकानें भी खोल दी और पार्क नहीं खोले। केजरीवाल सरकार कंफ्यूज है और उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव दिख रहे हैं। हम केजरीवाल सरकार पर पार्क खोलने का दबाव बनाएंगे और उनको पार्क खोलना ही पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाजार, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन पार्क और गार्डन को अभी भी बंद रखा गया है। दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से लॉकडाउन अब खोल दिया गया है। उसी के दौरान जहां तक अनलॉक की बात करते हैं, पूरे बाजार और सभी तरीके की जो चीज़ें खोल दी गई हैं। आज हमारे साथ भाजपा के विजय गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, जहां इन्होंने मांग करी आज पार्कों को खोलने की, क्योंकि देखा जा रहा है कई चीज़ें उस समय बंद कर दी गई थी कोविड को लेकर। हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आज ये मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स भी मेरे साथ हैं, RWA के लोग हैं। उन सब का कहना है कि दिल्ली के अंदर पार्क आपने अब तक नहीं खोले केजरीवाल सरकार ने। उन्होंने बाजार खोल दिए, मॉल खोल दिए, साप्ताहिक बाजार खोल दी, मेट्रो खोल दी, बस खोल दी, सारा ट्रैफिक खोल दिया, शराब की दुकानें खोल दी, मतलब खोल दी शराब पर नहीं खोले बाग। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को लगता ये है कि भाई स्वास्थ्य के लिए, योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए पार्क में तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, पार्क में तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। तो केजरीवाल सरकार कन्फ्यूज है और उसके पास टाइम नहीं है जी, क्योंकि उनको उत्तराखंड, पंजाब, यूपी इन सब के चुनाव दिखाई देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोग घुट घुट के मर रहे हैं, उनको ये नहीं देखना। ना उन्होंने कोविड के समय देखा, ना अब जब कोविड अभी चल रहा है, कम है, तब ये देखा। वो चीज़ें खोल रहे हैं जिनसे कोविड फैल सकता है, वो चीज़ें बंद कर रहे हैं जिनसे कोविड फैलता नहीं। ऐसे पार्कों को तुरंत खोलने की आज हमारी मांग है। सर, अभी 21 जून आने वाला है, योगा दिवस आने वाला है, उस दौरान भी कई लोग जो है पार्कों के अंदर आकर जो है एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। अगर पार्कों को नहीं खोला गया तो फिर क्या तरीके? नहीं, हम केजरीवाल सरकार पे इतना दबाव बनाएंगे कि उनको जल्दी इन पार्कों को खोलना पड़ेगा जाकर। तो ये थे हमारे साथ विजय गोयल जी, इन्होंने बात करी कि पार्कों को खोलने के लिए जिस तरीके से केजरीवाल पर पूरा दबाव डालेंगे पार्कों को खोलने के लिए। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं। तो दिल्ली के त्रिनगर इलाके में कोरोना से जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया है, साथ ही जरूरतमंदों को राशन किट भी बांटी गई है। त्रिनगर विकास मोर्चा दिल्ली प्रदेश नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं संस्था के संस्थापक अनिल सोनी पिछले 1.5 सालों से लगातार जरूरतमंदों को भोजन और राशन वितरण कर रहे हैं। साथ ही कोरोना की दूसरी लहर में कई गरीब परिवारों को जरूरी दवाइयाँ भी मुहैया करवा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान हमारे न्यूज वन इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने त्रिनगर विकास मोर्चा संस्था के संस्थापक अनिल सोनी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र गोयल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं त्रिनगर इलाके में और यहाँ पर पिछले 1.5 सालों से, जब से ये कोरोना की बीमारी जो महामारी आई है दिल्ली में और भारतवर्ष में, तब से लगातार जो एक समाज सेवी है अनिल सोनी जी, लगातार गरीबों को यहाँ पर जो है वो खाना वितरण कर रहे हैं, राशन किट उनको देते हैं, कई तरह की सुविधाएं जो है उनकी तरफ से। अगर गरीब परिवार में किसी को ज़रूरत है दवाई की, किसी चीज़ की, हॉस्पिटल जाने की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो हर तरह की संभव मदद लगातार ये कोरोना काल से कराते आ रहे हैं। आज खुद अनिल सोनी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि कब से इस सेवा में ये लगे हुए हैं और क्या इनका मकसद है इस सेवा में लगने का, किस वजह से सेवा भाव ये कर रहे हैं। देखिए, मेन मकसद तो मेरा है, वो एक बाबा अमरनाथ जी का, भूखे को भोजन, पैसे को पानी, जय बाबा अमरनाथ पर पानी। मेरी मेन सेवा भोजन की है, लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है, इसमें ऑक्सीजन भी, सिलेंडर भी, दवाई भी, मतलब जो कोई नीडी आता है, जो हमसे मन पड़ता है उसके लिए हमें करना पड़ता है, मतलब करते हैं। आज भी आप राशन किट बांट रहे हैं, साथ ही आज आपने हवन भी किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए आज क्या क्या प्रोग्राम है। ये हवन तो हमारा जो मेन मकसद ये था, हवन जो कोरोना काल में जो अकाल मृत्यु को हमारे भाई बंधु त्रिनगर क्षेत्र में भी बाहर जो भी अकाल मृत्यु प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने हवन किया है, और उसका प्रांत ये राशन वितरण का प्रोग्राम है।
जो जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। कितनी किटें हैं इसमें और क्या क्या सामान इसमें है? इसमें आज फिलहाल 130 किटें हैं, 130 परिवारों का इसमें राशन है। और इसमें जो सामान है, आटा है, दाल है, चावल है, सरसों का तेल है, नमक है, सारे मसाले हैं, और सरफ है, साबुन है, आलू है, प्याज है, दाल है, मतलब सारी चीज़ें हैं। और लेडीज़ के पहनने के लिए चप्पल भी है। तो आप देख सकते हैं अनिल सोनी जी हैं जो लगातार 1.5 साल से है जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और इनका यही कहना है कि अगर कोई भी जरूरतमंद मेरे पास आता है तो उसको निराश नहीं लौटना पड़ेगा, उसकी सेवा जो है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। क्योंकि ये बाबा अमरनाथ को मांगते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम इस वक्त मौजूद हैं त्रिनगर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अनिल सोनी जी की तरफ से जो राशन किट बांटी जा रही है। बाकायदा जिन लोगों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी उनके लिए हवन यहाँ पर किया गया है। और तमाम इलाके के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ इस टाइम वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वीरेंद्र गोयल जी, यहाँ से निगम के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं, अनिल सोनी जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं कोरोना काल में, क्या कहना चाहेंगे उनके? देखिए, जहाँ तक भाई अनिल सोनी की बात है, इसी कोरोना काल में नहीं, पिछले कोरोना काल के अंदर भी निरंतर ये जनसेवा काम करते रहे हैं। और इस बार भी ये तो यहाँ पर राशन की किट बांट रहे हैं, अभी इन्होंने हवन किया यहाँ पर, जो लोग चले गए हैं यहाँ से कोरोना काल के अंदर, उनकी आत्मा की, उनके परिवार की शांति के लिए। और अभी जब से कोरोना 2 महीने से चला था तब भी निरंतर इनकी रसोई चलती थी, और जिन परिवारों में 3 या 4 मेंबर घर के पीड़ित हो चुके थे उनमें खाना बनाने की दिक्कत थी, वहाँ तक इन्होंने खाना भिजवाया है। और ऐसी भाई अनिल सोनी के अंदर, और इस बार नहीं पिछले कोरोना काल के अंदर भी निरंतर इन्होंने सेवा के काम किए। और ये प्रेरणा, जैसे हमारा भाजपा का संगठन भी बताता है, सेवा ही संगठन है। यानी कि इनका त्रिनगर विकास मोर्चा, मेरी बात हुई थी अनिल भाई से, कहता भाई हमारे मोर्चे हमारे संगठन इसलिए बनते हैं कि हमें जनसेवा का काम करना है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा सेवा ही संगठन है, उसके तहत भी हमारे यहाँ पर एक कोरोना केयर वैन यहाँ पर घूमती है जो डेली सैनिटाइज करती है क्षेत्र को। और इस तरह से हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी प्रतिदिन सेवा का काम करते हैं। मैं पुनः बधाई देता हूँ, इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ भाई अनिल सोनी की, कि ये क्षेत्र में इसी तरह से विकास का काम करते रहेंगे, ऐसी इनकी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं वीरेंद्र गोयल जी, जिनका साफ कहना है कि ऐसी साफ छवि और ऐसी साफ सोच वाले निरंतर इस तरह से कार्य करते रहें तो जरूरतमंदों को तो सेवा मिलती है, साथ में और लोगों का भी हौसला बढ़ता है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रघुवरपुरा वार्ड के बीजेपी निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निर्विरोध मेयर चुने गए। इसके साथ ही मयूर विहार वार्ड से बीजेपी निगम पार्षद किरण वैद डिप्टी मेयर पद निर्वाचित हुई हैं। और इसको लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा में पीठासीन अधिकारी आप पार्षद गीता रावत ने श्याम सुंदर अग्रवाल के निर्वाचित होने की घोषणा की। वहीं श्याम सुंदर अग्रवाल के पदभार संभालने के बाद उन्होंने किरण वैद के निर्विरोध डिप्टी मेयर निर्वाचित होने की घोषणा की। इस दौरान मेयर बनने के बाद श्याम सुंदर अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहां पर उपस्थित मैं सर्वप्रथम भगवान का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण पद पर दोबारा बैठाया है। और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस ईमानदारी से मैंने पहले कार्य किया था उससे भी ज़्यादा मैं मेहनत से, लगन से और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगी और कभी भी MCD के जो भी कार्य होंगे उन पर बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति दूँगी। मैं सर्वप्रथम भगवान, सबसे बड़ी प्राथमिकता पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना, निगम से संबंधित जो भी काम है उनको सही ढंग से करवाना, उनको समय पे करवाना, हमारा जो चार्ट बनेगा कौन सा काम कितने दिन में होना है इसको तय करना। क्षेत्र में घूम रहे हैं, जैसी सेवा उन्होंने की है वो बधाई के पात्र हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना काल में सैनिटाइजर काम कराना, राशन बांटना, मास्क बांटना, कच्चा पक्का भोजन देना उन्होंने किया है। और जमुनापाड़ा की जनता, EDMC की जनता सब देख रही है। और आज भी यदि चुनाव हो जाए मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर बम होता है। वहीं दिल्ली के सिविक सेंटर में आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार राजा इकबाल सिंह ने उत्तरी नगर निगम के नए मेयर पद का कार्यभार संभाला। और इस कार्यक्रम के दौरान सदन में तीनों पार्टी के निगम पार्षदों ने उनको बधाई दी। और इस मौके पर विपक्ष नेता कांग्रेस के निगम पार्षद मुकेश गोयल और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और नेता विपक्ष विकास गोयल ने भी बधाई दी। इस दौरान उत्तरी दिल्ली के नए मेयर
ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी दिल्ली सरकार से दिलाना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। वहीं मौके पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने नए मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह से खास बातचीत की। एनसीसी के नए मेयर हैं राजा इकबाल सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? देखो, आर्थिक चुनौती तो है ही, कोरोना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो कोशिश करेंगे कि मिल करके इसको चुनौती को दूर करें। जयप्रकाश जी, जैसे सड़कों पर उतरे निगम की तनख्वाह के लिए लगातार उन्होंने लड़ाई करी, क्या लड़ाई वो आगे भी इस तरह अगर कुछ होता है, सरकार दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है, क्या इकबाल जी भी इस तरह से सड़कों पर उतरेंगे, उनके निगम के अधिकार होंगे? देखो, ये निगम की व्यवस्था है, अभी भी जेपी अग्रवाल जी, जेपी जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, तो ये तो टीम नहीं चेंज हुई, मुझे उस टीम में ऐड कर लिया गया। जैसे पहले काम करते रहे सुचारू ढंग से, कोशिश करेंगे वैसे ही काम चलेगा। बात करें आपकी, तो आप पहली शुरुआत क्या रहेगी एज ए मेयर? आप शुरुआत देखो, सबसे पहले जरूरी है कोरोना का जो पैंडेमिक बहुत तेजी से जो फैला था, अब कुछ थम सा गया, तो हम हेल्थ सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट वे से काम करेंगे, और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे वो समय के हिसाब से पूरा करें। हमारे साथ थे इकबाल जी, जो उनका कहना है साहब कि जो भी चुनौतियां रहेंगी उसको हम पूरा करेंगे, उस पर खरा उतरेंगे। मैं दीपक शर्मा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।